हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि वॉशिंग मशीन का जो ये डिटर्जेंट ट्रे है, जिसे हम ड्रॉर भी बोलते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको पूरी नॉलेज देने वाली हूँ कि इसमें जो कंपार्टमेंट है वो कौन कौन से कंपार्टमेंट हैं, किस कपड़े के लिए हमें किस में डिटर्जेंट डालना है और कितना हमें डालना है और कौन सा डिटर्जेंट अच्छा रहता है। तो ये सारी बातों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो ये मेरा वॉशिंग मशीन है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये बॉश कंपनी का है, फ्रंट लोड है, आरपीएम 1200 और 8 kg इसकी कैपेसिटी है। तो मैं जो भी डिटर्जेंट ट्रे के बारे में आपको नॉलेज दूंगी वो मैं अपने बॉश वॉशिंग मशीन से आपको दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, तो फ्रेंड्स ये है ट्रे, डिटर्जेंट ट्रे। आप इसमें देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे 3 कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो तीनों कंपार्टमेंट का जो काम है वो अपनी अपनी जगह अलग है। तो हम जैसे जैसे मैं वॉशिंग मशीन जैसे चलाती हूँ, तो मैं ऐसे खड़ी हूँ और हमारा जो डायरेक्शन होता है वो इस साइड से होता है। तो हमारे लिए जो ये जो साइड है वो है लेफ्ट साइड, ये राइट एंड ये सेंटर। इसका एक और साइन है, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में डबल लाइन दिख रही होगी तो ये सेकेंड कंपार्टमेंट है। यहाँ पे वन लाइन दिख रही होगी तो ये वन कंपार्टमेंट है। और जो ये सेंटर में आप ये छोटा सा फ्लावर बन के देख रहे हैं, ये कंपार्टमेंट, ये एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट है। तो इसमें हमें जो एक्स्ट्रा चीजें हम जो भी डालते हैं वो हमें इसमें डालनी चाहिए। तो चलिए मैं अब आपको एक एक करके पहले तीनों कंपार्टमेंट के बारे में बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा अगर हम यूज करते हैं तो वो है हमारा ये सेकेंड कंपार्टमेंट, जिसे हम मेन वॉश के लिए भी यूज करते हैं। अगर आपको डेली वेयर के कपड़े अगर आप वॉश कर रहे हैं या कोई भी, मतलब जो ये सारा जो फंक्शन दिया है, ये सारे आपको किसी में भी सिलेक्ट करके अगर वॉश करना है तो उसके लिए जो आप डिटर्जेंट डालेंगे, चाहे वो पाउडर वाला डिटर्जेंट हो चाहे वो लिक्विड वाला हो, तो आप डालेंगे इसमें सेकेंड कंपार्टमेंट, मतलब कि ये मेन वॉश में। और अगर आपको जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है वो किस लिए है, तो फ्रेंड्स वो है प्री वॉश के लिए। तो प्री वॉश का हम यूज तब करते हैं जब कपड़े बहुत ज्यादा गंदे होते हैं, मडी होते हैं, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा वॉश की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें जब प्री वॉश करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे भी डिटर्जेंट डालेंगे और सेकेंड कंपार्टमेंट में भी डिटर्जेंट डालेंगे। अगर आपको देखना है कि प्री वॉश कैसे करना है तो उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट वाला कंपार्टमेंट है प्री वॉश के लिए, बहुत डर्टी कपड़े हैं, मडी कपड़े हैं तो उसके लिए। बीच वाला जो है वो फैब्रिक सॉफ्टनर हम यूज करते हैं तो उसके लिए है, एक्स्ट्रा चीजें जैसे एंटीबैक्टीरिया के लिए हम लोग डेटॉल का यूज़ करते हैं या फिर हम सॉफ्टनर यूज़ करते हैं, कंफर्ट हम डालते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए अगर आपको डालना है तो आप सेंटर वाले कंपार्टमेंट में डालेंगे। मेन वॉश में आप डालेंगे जो भी वाटर सॉफ्टनर आप डालते हैं, ब्लीच भी बहुत लोग यूज़ करते हैं कपड़ों में, वो डालना है तो वो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्टेन रिमूवर भी कई लोग डालते हैं तो वो भी डालना है तो आप सेकंड कंपार्टमेंट, मतलब कि मेन वॉश में आप डालेंगे। तो फ्रेंड्स आपको इन तीनों का नॉलेज तो हो ही गया होगा। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कितना यूज़ करना है। तो डिटर्जेंट यूज करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आपके घर में भी फ्रंट लोड है तो आप लिक्विड वाला डिटर्जेंट यूज करिए। उसके कुछ रीजंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। टॉप लोड में क्या होता है कि ड्रम जो ऊपर की साइड में होता है तो उसमें हम जब पाउडर वाला डिटर्जेंट डालते हैं ना, इजिली घुल जाता है, लेकिन जो हम फ्रंट लोड लेते हैं तो इसका जो ड्रम है वो सामने की तरफ है, आप देख सकते हैं, तो इसमें होल्स होते हैं तो उसमें ना पाउडर इधर उधर ब्लॉकेज भी कर सकते हैं, डिटर्जेंट में भी यहाँ पे चिपक जाता है तो उसे हमें बार बार वॉश करना पड़ता है। आप देख सकते हैं मेरा जो डिटर्जेंट ट्रे है कितना क्लीन है, मुझे कम से कम 3 या 2-3 महीने हो रहे होंगे क्लीन किए हुए, मैंने अभी तक क्लीन नहीं किया है, लेकिन मैं हाँ लिक्विड वाला डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा डिटर्जेंट कितना ट्रे क्लीन है, मैं आपको अभी निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा नीचे साइड से मैं दिखा दे रही हूँ, एकदम क्लीन है। तो इसीलिए अगर आप पाउडर वाला यूज करेंगे तब थोड़ा सा उसमें फंसता रहता है, गंदगी बैठती रहती है, तो इसीलिए आप डिटर्जेंट लिक्विड वाला फ्रंट लोड के लिए यूज करिए, वो आपके वॉशिंग मशीन के लिए भी अच्छा रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि लिक्विड वाला डिटर्जेंट क्यों यूज करना चाहिए, उसका एक और रीजन है कि फ्रेंड्स
लिक्विड वाला डिटर्जेंट में पानी हमें ज़्यादा नहीं लगता है उसको डिजोल्व करने में। पाउडर वाला डिटर्जेंट है तो उसमें पानी का यूज़ ज़्यादा लगता है उसको डिजोल्व करने में, और उसको टाइम भी ज़्यादा लगता है। और इस वॉशिंग मशीन में, फ्रंट लोड में, स्पेशली बॉश वॉशिंग मशीन में, पानी का कंजप्शन इसमें बहुत कम होता है, तो इसलिए भी हमें लिक्विड वाला डिटर्जेंट यूज़ करना चाहिए। चलिए अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं कि हमें इसमें कितना डिटर्जेंट डालना है। तो फ्रेंड्स, डालना है आपको कितना, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लाइनें बनी हुई हैं। यहाँ पे एक लास्ट में एक लाइन बना हुआ है, इधर भी एक लाइन है, और यहाँ पे भी आपको एक लाइन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको डालना है। आप चाहें तो किसी भी टेबल स्पून रख सकते हैं, कोई भी मेजरिंग कप रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, उसके मेजरिंग से आप डाल सकते हैं। लेकिन कितना डालेंगे, अगर जैसे मेरा 8 kg का वॉशिंग मशीन है, तो मैं 8 kg मतलब ड्रम पूरा भर के अगर कपड़े डाल रही हूँ, तो वो मैं एस्टिमेट लगा लेती हूँ कि मैंने 8 kg डाला है। हाफ ड्रम मेरे कपड़े रहते हैं तो मैं उसको एज्यूम कर लेती हूँ कि मैंने 4 kg तक कपड़े डाले हैं। तो मैं जितना भी इसमें कपड़े डालती हूँ उसके हिसाब से मैं यहाँ पर डिटर्जेंट डालती हूँ। तो जैसे मैंने अभी हाफ ड्रम कपड़े डाले हैं, तो उसके लिए मैं सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच डिटर्जेंट डालूंगी लिक्विड वाला। और फ्रेंड्स, एक चीज मैं और आपको दिखा दूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक छोटा सा बॉटल है, इसमें आप एक चम्मच देख सकते हैं। इसी से मैं मेजर करके हमेशा लिक्विड वाला डिटर्जेंट डालती हूँ। और उस चम्मच को हम कहाँ वॉश करें, उसको धोएंगे तो जो चम्मच में भी लिक्विड लगा रहता है तो वो वेस्ट ना हो, तो मैंने एक छोटी सी यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं हमेशा डाल के और इसी में चम्मच डाल के रख देती हूँ, तो चम्मच में जितना भी डिटर्जेंट लगा रहता है, देखिए आप देख सकते हैं कितना इसमें इकट्ठा हुआ है, तो वो डिटर्जेंट भी वेस्ट ना हो और आपको अच्छे से मेजर भी आप कर सके, तो आप इस तरह का एक चम्मच ले सकते हैं। और उसी के साइज का एक बॉटल आप अपने घर में बना के रख सकते हैं। जितना भी आपको मेजर करना हो, मेजर करके उस चम्मच को आप उस बॉक्स में रख दीजिए, उससे जो उसमें लगा है वो भी वेस्ट नहीं होगा और आपको चम्मच बार बार धोने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा जुगाड़ क्या है, तो इस तरीके से आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप हाफ ड्रम कपड़े डाल रहे हैं, तो आपको सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच देख सकते हैं आपको डिटर्जेंट डालना है। पूरा भर के ड्रम अगर आप डाल रहे हैं, तो आप 2 से 3 चम्मच लिक्विड वाला डिटर्जेंट डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। और एक लास्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपको जो भी डिटर्जेंट आप खरीद के लाते हैं अपने वॉशिंग मशीन के लिए, तो कोशिश करें कि महंगा मतलब सर्फ एक्सल का हो गया, इजी के हो गए, उन सब के डिटर्जेंट आप यूज़ करिए। अगर आप सस्ता देख के लेके आ रहे हैं, तो सस्ता वाला अगर आप डिटर्जेंट यूज़ करेंगे ना, तो वो ज़्यादा लगता भी है। अगर आप महंगा डिटर्जेंट यूज़ करेंगे, तो वो उसकी क्वांटिटी भी कम लगती है। तो ये देखा जाए तो बराबर एक ही बात होती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अच्छे कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट खरीद के लाएं। वो आप थोड़ा भी डालेंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो चलिए, आज मैंने आपको सारी नॉलेज दे दी है। फिर भी कोई डाउट आपके मन में आता है या कोई और वीडियो आपको अपने वॉशिंग मशीन से रिलेटेड चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना के तुरंत अपलोड कर दूंगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही वॉशिंग मशीन की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।